इस के सभी लोग आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक वीडियो में में खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं अभी मैं के एक साथ पचास जने मारे गए थे कैसे मारे गए किसने मारा किसी को कुछ नहीं पता पर वो मारे गए तो अभी यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आज मुझे कैसे भी करके पता करना है कैसे मारा उन जनों को तो गायर

यहाँ पर मुझे और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा चलो सर, देखते हैं यहाँ पर और कुछ तो नहीं है ना मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा पूर है पर तो रहा कौन है मेरे सामने आओ एक सेकेंड रोड पर क्या हो गया खून यहाँ पर कैसे आ गया अभी जब मैं यहाँ पर आया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था ये क्या चल रहा है मैंने गलती तो नहीं कर यहाँ पर आके और कैसे देख दो ऐसे स्टोर में कोई भी नहीं है पर ये फैन अपने आप घूमे जा रहा है अरे ये क्या हो गया कोने है? को कौन है? कौन है? मेरे सामने नहीं

एक सेकेंड ये क्या है अरे गाइस और ये क्या चीज है हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी जल्दी फगाओ लाइट फिर से आ गई ये क्या चीज है ऊपर मुझे समझ नहीं देना जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी यहाँ पर आके जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं अरे ये तो मेरी गाड़ी की भी है अरे मेरी गाड़ी छोड़ मेरी गाड़ी चोर मई को क्यों डालिया मुझे छोड़ दे ये क्या चल रहा है अरे मुझे छोड़ दे कौन है ये अरे मेरे साथ ये क्यों कर रहा है अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये तो मुझे मार दे Go. Ha ha ha, ha, ha. Ah. <coughs> अरे वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए उसने मेरी पूरी की पूरी गाड़ी पलटा दी मेरी हालत खराब हो चुकी है पर मुझे यहाँ चाहिए वो तो मेरे पीछे पड़ चुका है अरे कई ये क्या वो तो अभी भी मेरे पीछे आ रहा है अरे ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा जल्दी जल्दी भागो मेरे पैर पर लग गई है मैं ज्यादा तेज भाग नहीं पाऊंगा ये तो मुझे पकड़ लेगा मुझे अपना पूरा का पूरा दम लगाना पड़ेगा मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा I'm Nyam Nyam, I'm Nyam Nyam. एक सेकंड एक सेकंड ये क्या चल रहा है मैं अपने घर के बाहर कैसे आ गया अरे क्या मैं सपना देख रहा था मैं रोड पर सो रहा था क्या मुझे समझ नहीं नहीं रहा मेरे साथ क्या क्या हुआ वो वो खतरनाक सी चीज पता थी और वो सीधा सीधा आगे मुझे चुपक के, मुझे के खाने लग गई उसके बाद अपने घर के बाहर आ गया ये कैसे हो सकता है और जब मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था तब तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हुई थी पर अभी तो ऐसा देख के लग रहा है मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या चल रहा है पर अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है इस

मैं तो एक फुल्फ बन चुका हूं। ये कैसे हो गया ये क्या हो गया ला, ला, ला। एक सेकेंड मेरे मुंह से ऐसी कैसी है ये तो बिल्कुल मतलब उस खतरनाक से फुल्फ ने जब मुझे काटा उसके बाद मुझे लगता है उसका ब्लड मेरे अंदर आने की वजह से मैं भी एक वुल्फ बन चुका हूँ ये कैसे हो सकता है ये क्या हो गया मैं कैसे वुल्फ बन गया मैं क्यों वुल्फ बन गया अरे

कल एक बजे तुम्हें एक वुल्फ ने काटा था उसके बाद सुबह छह बजे तुम एक वुल्फ बन गए अरे इसको तो सब पता है अरे डॉक्टर अगर तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं वापस इंसान कैसे बन सकता हूँ बुढ़ी बाबा मुझे जरूर पता है कि तुम इंसान कैसे बन सकते हो अरे तो जल्दी बताओ ना प्लीज बताओ ना नही बाबा जिस वुल्फ ने तुम्हें काटा था तुम्हें उसका खून चाहिए होगा अगर तुम उसका खून मुझे लाके दोगे तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा क्या वो तो बहुत ही खतरनाक है मैं उसका खून कैसे लेके आऊंगा अगर मैं उसके पास गया तो इस बार वो पक्का मुझे मार देगा अरे बाबा उसकी टेंशन मत लो वो भी मैंने सोच लिया है क्या मेरे लिए तुम लेके आओगे पागल हो गया क्या मैं क्यों लेके आऊंगा अरे आऊँगा तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा एक खतरनाक से वुल्फ में ताकि तुम उस बुल्फ ऐसी लड़के उसका खून लेके आ पाओ क्या अपग्रेड होना पड़ेगा अरे पर मैं अपग्रेड कैसे होऊंगा मैं तो एक बहुत ही छोटा सा वुल्फ हूँ अरे बाबा मैं तुम्हारी मदद करूंगा अपग्रेड होने में तुमको तीन तीन चैलेंज कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर तुमने तीनों चैलेंज को कंप्लीट कर दिया इंसान बन सकूँ हाँ। तो कह सर मैं तो मैंने जो सोचा था की डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी मदद करेगा वो बिल्कुल सही था डॉक्टर ही सबसे खतरनाक एवेंजर है और वो मेरी मदद करने वाला है वापिस से इंसान बनने के क्या तुम तैयार हो हाँ, हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ तैयार हो जाओ अगर आप रेडी हो चुके हो तो फटाफट तो किया तो, तो मेरे चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे अपग्रेड होने के और उसके बाद ही मैं एक इंसान बन पाऊंगा तो मुझे जल्दी जल्दी इंसान बनना है इसलिए जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और हम चलते है तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे पहले चैलेंज में सामने देखो एक खतरनाक स्मैशर है ये तुम्हें पूरा का पूरा भून के रख देगा अरे पर तुम मुझे भूनना क्यों चाहते हो मैं तुम्हें भूनना नहीं चाहता सबसे पहला चैलेंज है हड्डी तोड़ चैलेंज तुम्हें अपनी हड्डियाँ तुड़वानी पड़ेगी अगर तुमने तुड़वा ली तो तुम अपग्रेड हो जाओगे अरे ये कैसा चैलेंज है एक हजार हड्डियाँ तुड़वाने के बाद अपग्रेड होगा उसके बाद तो मैं पूरा कमजोर हो जाऊंगा ऐसा नहीं होने वाला तुम एक फुल फुल्फो जाओ

Was तीन सौ हड्डियां और तो है पर मैं यहां से नहीं तोड़वाने वाला यहां पर बहुत दर्द होता है मेरे पास एक और आइडिया है चलो डॉक्टर स्ट्रेंज तो अब देख सकते हो हम लॉस की सबसे बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर ऊपर आ चुके हैं इसके कोई भी बिल्डिंग नहीं है और यहाँ से अभी मैं यहाँ पे जंप करने वाला हूँ और आपको तो बताइए जब बड़ी बिल्डिंग से कूदते हैं तो बहुत तेज लगती है जितनी ज्यादा तेज कूदेंगे उतनी ज्यादा हड्डियां टूटेगी तो हम बिल्कुल तैयार है यहां से जंप करने के लिए अगर आप तैयार हो तो फटाफट फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कहीं हमें अपनी 300 हड्डियां टूटनी है तो देखते हैं क्या है यहां से कूदने पर हमारी 300 हड्डियां टूटने वाली है थ्री टू वन लेट्स गो और गाइस आप देख सकते हो फुल स्पीड में मैं जा रहा हूं कितनी हड्डियां टूटेगी थ्री टू वन और ये बूम

और ये क्या अब मेरी हड्डियां बहुत ही तेज तेज टूटने वाली है लेट्स को पड़ से। टू और ये क्या सारी की सारी हड्डियां टूट गई और मेरी सारी हड्डियां टूटने के बाद मैं तो डायरेक्ट अपग्रेड हो चुका हूँ एक हजार हड्डियां हमने यहाँ पर टूटवा ली और आप देख सकते तो हो मैं कितना खतरनाक

कमेंट करके बता दो और अभी तक वीडियो को को लाइक लाइक नहीं तो फटाफट से भी कर देना, को कर देना चैनल सब्सक्राइब देना और हम चलते हो अब बारी दूसरा चैलेंज क्या है तुम्हारा दूसरा चैलेंज है इमेजिनेशन इमेजिनेशन मतलब क्या है उड़ी बाबा तुम्हारे सामने आई ड्रॉइंग मैजिक पोन और तुम्हें अपने आप इमेजिन करके एक खतरनाक फुल बनाना है जो की बहुत ही खतरनाक होना चाहिए तो जल्दी जल्दी इमेजिन करो और बना दो खतरनाक सा वुल्फ। अच्छा ठीक है तो सर, अभी मैं पर समझ चुका मुझे क्या करना है मुझे इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर अपने इमेजिनेशन मतलब मेरे दिमाग की मदद से एक खतरनाक साफ बनाना है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो चलो फटाफट से उसको बना लेते हैं तो काय सर अभी आप देख सकते हो हम इस खतरनाक से मैजिक बोर्ड पर आ चुके हैं और इस पर हम एक खतरनाक सा बनाना है सही बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए तो सबसे पहले हम बनाने वाले खतरनाक से, वुल्फ का फेस। यहाँ पर से फेस से शुरुआत बाल बनाने वाले यहाँ पर बनेगा इसका मुंह इधर भी सेम टू सेम फटाफट से मुंह बना देते हैं और ये डंत फेस तो ऊपर का कंप्लीट हो चुका है अब बाकी की बॉडी बनाई जाए अब ये खतरनाक है तो इसकी बॉडी बहुत खतरनाक

से इसको कलर करते हैं कलर करने के बाद ही असली वुल्फ हमें दिखने वाला है सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक कलर उसकी पैंट में कर देंगे उसके बाद ग्रे कलर लेके इधर इधर इसकी बेल्ट में कर देंगे और रेड कलर इसकी इसकी बेल्ट में कर देंगे और बाकी ब्लू कलर लेके इसके पूरे के पूरे शरीर में हम करने वाले डार्क ब्लू करें कि ये नॉर्मल ब्लू कलर यहाँ पर हम करने वाले इसके पूरे के पूरे शरीर में हर जगह ब्लू 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 और थोड़ा डार्क ब्लू इसके बालों में डार्क ब्लू ये डार्क ब्लू उसके बालों में हो चुका है बाकी भी पूरे फेस में हमने कलर कर दिया है अब थोड़ा सा स्प्रे स्प्रे पेंट लेके लेके हम डार्क कलर इसकी बॉडी पे स्प्रे करने वाले, ताकि ये लगना चाहिए। लगना चाहिए फटाफट चम अच्छा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो से ये हमने डन इसको फटाफट से ब्रश लेंगे तो ड्रॉइंग है अब हम इसकी पावर बढ़ाने वाले पेंट करके पावर इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय कर दिए फटाफट इसको रियल लाइफ में लाते हैं और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने और आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर पूरी कम्प्लीट हो चुकी है और ये क्या एक खतरनाक समय मिल चुका है फ्रैंकलिन तुम दूसरी बार भी अपग्रेड हो चुके हो अरे मैं अपग्रेड तो हो गया पर ये तो सही में बहुत ही खतरनाक वुल्फ है मुझे लगता है मैं उस वुल्फ को मारने के लिए तैयार हूँ आखिरी चैलेंज को कम्प्लीट करने के बाद तो चलो फिर चलते अगले चैलेंज पर अच्छा ठीक तो है तो कहे सर अभी आप देख सकते हो ये वुल्फ तो हमें यहाँ पर मिल चुका है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मैं एक धुआं बन के यहाँ पर उड़ रहा हूँ और इनकी गाड़ी को पूरा तोड़ सकता हूँ फोड़ सकता हूँ ये, ये इस गाड़ी की तो पूरी हालत खराब हो चुकी है पर बार होना बाकी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं उस आखिरी चैलेंज में उसके बाद हम उस वुल्फ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हम आज उसको खत्म करके रहेंगे उसने हमें ये वो बनाया था वैसे मुझे

करते पर याद रखना बीच में बहुत सारी मुश्किल आने वाली है और अगर तुम एंड तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें मैं करूंगा अपग्रेड और फिर तुम उस

कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पूरे चैलेंज को मैं कैसे भी करके करना है, ताकि हम एक खतरनाक से मजा बहुत आ रहा है कोई भी मुझे मार नहीं सकता मेरे पास बहुत खतरनाक पावर आ चुकी है और भी बहुत सारी चीजें का एडवांटेज यहाँ पर मिलता है वुल्फ बनने पर, तो क्या मैं वुल्फ बना रहा हूँ या फिर एक इंसान बन जाऊँ अभी मैं नीचे गिर जाता लिए रह जाता तो मैं वुल्फ बना रहूं की नहीं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो के लिए हैं वुल्फ बने रहे हैं या फिर इंसान बने चलो फटाफट से इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और अपग्रेड होते यहाँ से चलेंगे आराम से डब्बो से और यहाँ से चलते फटाफट से भागते भागते कूदते अभी मैं नीचे गिर जाता पर अभी यहाँ पर अपने

जरा आप देख सकते हो सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है और हमने इसको क्रॉस कर लिया बड़ी बाबा बहुत बढ़िया तुमने सारे चैलेंज कंप्लीट कर दिए तुम होने वाले हो अब क्रे

कभी भी नहीं देगा पर काइजर अब वो इविल वुल्फ बिल्कुल भी नहीं बचने वाला चलो फटाफट फड़ से उसके पास चलते हैं और अपना बदला लेते हैं और लॉस सेंटोस में उसने 50 लोगों को और मारा था उनका बदला भी हम आज ही लेंगे लेट्स गो फटाफट से चलते हैं और उस वुल्फ को खत्म करते हैं इविल वुल्फ के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे हाँ, इस भरी धूप में तेरी पावर जब कमजोर होती है मैं तुझे मारूंगा हाँ, 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 अभी लो अरे ये क्या होंगे गया एकदम से रात कैसे हो गई हाँ, 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 तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे हाँ मैं तुझे मारूंगा तेरी ये ले अब तेरी बारी आ चुकी है मरने की तू मुझे मारने आया था याद कर मैंने तुझे काटा तभी तो तू एक वुल्फ बन पाया अब तू मुझे ही मारना चाहता है हाँ मैं तुझे मार के रहूंगा क्योंकि तुझे सारे लॉस सेंटोस वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है इसलिए आज हम तुझे खत्म करके रहेंगे तो कह दन, अगर आप मेरे साथ हो तो फटाफट से कमेंट लिख दो फ्रेंकलिन

बाप के जो ना फॉलो करना और कहीं सर हम मिलेंगे आपसे वीडियो में तब तक तो के लिए बाय बाय